हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैरी क्रिसमस आप सभी को मेरी तरफ से। और ये देख सकते हैं कि मैंने आज छोटा सा केक बनाया है जिसे मुझे ऑर्डर मिला है। तो आपको आई होप कि ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन वगैरह बनाऊंगी, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे बोल और बोल में डाल देंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप ऑयल। कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल लीजिए जिसका अपना कोई स्वाद ना हो। और सेम कप से 1/4 कप दही और 1/3 कप यानी 1/3 कप पिसी हुई चीनी, जो परफेक्ट मीठा है। इससे ज़्यादा अगर पसंद करते हो तो 1-2 चम्मच और मीठा डाल सकते हैं। इसे अच्छे से विप कर लेंगे जब तक कि इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। और फिर अब ले लेंगे दूसरा बोल और इसमें ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को छान लेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे 1 कप मैदा, आप इसे आटे में भी बना सकते हो, और 2 चम्मच मिल्क पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और पिंच भर नमक। इसे केक का जो बेस है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच ना कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ जिससे जो हमारा बेस है ना थोड़ा वाइट बनेगा। कई बार देखा होगा जो मैदे का बनाते तो थोड़ा ब्राउन हो जाता है वो, तो इससे ना अंदर का जो टेक्स्चर है ना वो वाइट आता है। आपकी मर्ज़ी, आप डालो या स्किप कर दो, कोई बात नहीं। और जो हमने ये क्रीमी सा टेक्सचर दही और ऑयल और चीनी का मिक्स करके बनाया था ना, अब इसे हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से आप आराम से मिक्स करते जाइए। और ये देख सकते हैं कि अभी भी इंग्रेडिएंट सूखा है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दूध। 1/2 कप दूध भी हम धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। और कट एंड फोल्ड के मेथड से हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा जल्दी आप मत मिक्स करिए, नहीं तो आपका जो केक है वो डेंस बनेगा, ऊपर से क्रैक्स आ जाएंगे। और यहाँ पे अब डाला है मैंने 1 चम्मच वनीला एसेंस और साथ ही 1 चम्मच विनेगर, ताकि जो हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो अच्छे से रिएक्ट करे और हमारा जो केक है वो सॉफ्ट फ्लफी स्पॉन्जी बने। तो बस हमारा जो मिश्रण है तैयार है। तो मैंने पहले से ही मोल्ड में बटर पेपर लगा लिया, इसे ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसे जो हमारा बैटर है इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हमारा होममेड ओवन है इसे मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है। कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई आप लीजिए और उसमें बनाइए। तो बस जो हमारी कढ़ाई है वो बिल्कुल गर्म है, बहुत अच्छी हीट आ रही है। तो अब हम इसे रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। और अगर आप इसे माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लीजिए, या फिर जब तक कि आपका टूथपिक क्लीन ना आ जाए। तो चलिए हमारा केक हो गया है रेडी। अब हम एक बार टूथपिक से चेक कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही क्लीन आई है, लेकिन ये जो क्रैक्स आ गए ना इसे देख के मेरा दिल बैठ जाता है। पर कोई बात नहीं, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका हम यूज़ करेंगे केक को डेकोरेट करने में। वो कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये देखिए, जैसे ये ठंडा हो गया ना अपने आप ही डिमोल्ड हो गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस टिन को मैंने उल्टा किया और ये हो गया। और ये देख सकते हैं कि मैं दूसरे काम में भी बिज़ी थी, इसकी वजह से थोड़ा लग भी गया। तो बस इसे ना, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो बस नाइफ़ लीजिए और इस तरह से स्क्रैच कर दीजिए, ताकि जो ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना जो ज़्यादा बेक हो गया है वो निकल जाए। बाकी जो हमारा स्पॉन्ज है बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बना है। और ये देख सकते हैं इसका कलर जो कितना डिफरेंट आया है कॉर्न स्टार्च मिलाने के कारण। तो बस यहाँ पर पार्ट को हमें संभाल के रख लेना है, इसका केक डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। और धीरे धीरे आप थ्रेड की मदद से या फिर ऐसे नाइफ की मदद से आराम आराम से कट कर लीजिए। तो इसे 3 लेयर में हम कट कर लेंगे और आप इसकी जाली देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। ये जो आप देख सकते हैं केक बेंड हो रहा है ना बेस, इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस ये 3 लेयर में मैंने कट कर लिया है। अब हम कर लेंगे केक को विप। तो यहाँ मैंने ले लिया 1 कप विप क्रीम और यहाँ पर ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी और वनीला एसेंस 1 चम्मच। तो ये सभी को अच्छे से विप कर लेंगे। पहले हमें वीटर को बिना ऑन किए ही मिक्स कर लेना है, ताकि जो चीनी है वो इधर उधर उड़े नहीं। और फिर स्लो मोशन पे चलाएंगे और जैसे ही क्रीम हल्की सी विप होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाए, उसके बाद हम हाई स्पीड करके इसे विप कर लेंगे। और हमें तब तक इसे विप करना है जब तक कि इसमें स्टिक पिक्स आने शुरू ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं कि पिक्स आने शुरू हो गए। तो बस अब हम एक बार बोल को उल्टा करके भी चेक कर लेंगे कि हमारा क्रीम सही से बीट हुआ है या नहीं। ओवर बीट नहीं करना है, नहीं तो जो क्रीम है वो फटा हुआ सा लगेगा। तो बस ये मुझे किसी को देना है, इसलिए मैं इसे बोर्ड पे ही तैयार करूँगी।
तो जो मिडिल पार्ट था ना उसे मैंने सबसे नीचे रखा है और बस आइसिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्रीम लगाएंगे और फिर उसके बाद बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद आता है, मतलब बोला ही गया है कि स्ट्रॉबेरी आना चाहिए फ्लेवर में, तो इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी स्क्वैश लगा रही हूँ और ये बहुत ही बढ़िया लगता है बच्चों को। और ये छोटू पैक आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी सुपरमार्केट में आराम से स्क्वैश मिल जाता है या क्रश बोल लीजिए, स्ट्रॉबेरी क्रश। और तो बस हमें जिस तरह से हमने फर्स्ट लेयर तैयार किया है, चीनी और पानी से पहले बेस को सोक करिए, उसके बाद क्रीम लगाएंगे, फिर स्ट्रॉबेरी स्क्वैश लगाएंगे और बेस के थर्ड लेयर के साथ इसे कवर कर देंगे। जो जो सबसे नीचे का पार्ट था उसे मैं सबसे ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो ऊपर का जो बेस है वो बिल्कुल बराबर दिखे और अच्छा भी दिखे केक, इसलिए। तो बस इसी तरीके से इसे ऊपर से और सभी तरफ से आइसिंग कर देंगे, यानी कि जो ब्रेड है हमारा उसे पूरी तरीके से कवर कर देंगे। और ये रफली तैयार हो गया है, अब हम इसे थोड़ा सेट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम फाइनल आइसिंग करेंगे। और अब आ रही है जो हमारा जो ये क्रैक वाला पार्ट था जिसे हमने बचा के रखा था केक डेकोरेशन के लिए, तो उसे पहले हम अच्छे से तोड़ लेंगे और फिर ना यहाँ पे एक चम्मच के करीब व्हिप क्रीम ऐड करेंगे और इसे ना आटे की तरह हमें गूंथ लेना है और इस तरह से शेप देना है ताकि जो हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे ना उसका ये एक तरह से रफली स्ट्रक्चर तैयार हो सके। तो बस ये तैयार है, अब इसके नीचे हम एक टूथपिक लगा के और फिर जो ट्री है उसका शेप देंगे। तो पहले वो करने से पहले हम एक बार फिर से इसे क्रीम से आइसिंग कर लेंगे ताकि जो भी रफली था वो थोड़ा फिनिशिंग के साथ हो जाए। और ये बस हो गया, अब बस फटाफट से इसकी आइसिंग कर लेते हैं। अगर स्पैचुला नाइफ से ना हो तो जो ताश के पत्ते या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लेन सरफेस, या फिर आपके पास स्क्रैपर है तो उसे स्क्रैपर से का यूज़ करके कर लीजिए। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ना स्नोई टेक्सचर देने के लिए ना इस तरह से स्पैचुला नाइफ से मैं इस तरह से ना टैप टैप करके डिज़ाइन बना रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रीन फूड कलर ताकि हम जो क्रिसमस ट्री है इसकी आइसिंग बढ़िया से कर सके। तो ये बस जो हमने बनाया था रफली केक स्ट्रक्चर, इसको टूथपिक मैंने लगा दिया है ताकि मैं आराम से इसे केक पे लगा सकूँ। और इस तरह से स्टार नोजल का यूज़ करते हुए डॉट डॉट बनाते हुए ये देखिए क्रिसमस ट्री बनाया है मैंने। अपना लीफ जो नोजल होता है उसका भी यूज़ करके बना सकते हो, उसे भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस ये हो गया, जहाँ जहाँ ये छूट गया था वहाँ वहाँ भी मैं इस तरह से भर दे रही हूँ। और ये हो गया, इस तरह से मैंने तीन पेड़ बनाए हैं। और आप बनाएंगे स्नोमैन, तो एक वाइट कलर से बड़ा बोल, और उसके बाद मैंने जैम यूज़ किया है, उसके बाद एक छोटा सा बोल, और यहाँ मैंने सोचा एक और बना दिया जाए, जगह थोड़ी सी खाली लग रही थी तो मैंने एक और स्नोमैन बना दिया। और मैं यहाँ पे मुफलर और कैप के लिए, यानी कि स्नोमैन के कैप के लिए जैम का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ मैंने व्हिप क्रीम का यूज़ नहीं किया। तो बस ये हो गया है, थोड़ा सा जैम ना हैवी हो गई थी उसके सर के ऊपर से, और मैं ना आइज नोज़ की डिटेलिंग बाद में करूँगी, पहले मैंने सोचा जो ये ग्रीन कलर बच गई है इसे हम बॉर्डर बना दें केक की। और बस ये हो गया है, लगभग तैयार है। अब ब्लैक कलर मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने ब्राउन कलर से ही इसकी आइज़ बनाई और एक स्माइली फेस बनाया, तीन बटन बनाए, लेकिन मेरी डॉटर आई, उन्होंने कहा मम्मा पहले नोज़ बनाओ उसके बाद फेस बनाना, और नोज़ बनाने के बाद जगह ही नहीं बची। तो बस ये हो गया, अब मेरे पास बची है ब्राउन क्रीम जिसका मैं सोच रही हूँ यूज़ कर ही लिया जाए, और इसलिए मैंने सेम छोटे वाले स्टार नोजल का यूज़ करते हुए साइड से बॉर्डर बनाई हूँ जो कि फेंसिंग की तरह लग रही है। तो बस ऑलमोस्ट हमारा केक डन है। और जो छोटी वाली रेनबो बॉल्स होती हैं इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ ताकि जो हमारा ट्रे है वो बढ़िया लगे दिखने में। और ये देख सकते हैं अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा ना सिल्वर स्प्रे भी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका भी यूज़ कर लिया जाए ताकि थोड़ा स्नोई इफ़ेक्ट आए। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है वो यूज़ करने से। और अब बारी है आज के टिप की, अगर आप अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाते हैं ना, और अगर ज़्यादा बनाते हैं बच जाती है, या फिर वैसे भी आप बना के रखते हो, तो उसमें ना एक चम्मच गरम तेल और थोड़ा सा नमक मिलाइए, बहुत दिन तक स्टोर रहेगा। और अब मेरा केक देख सकते हो, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।